अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव पूर्व सीपीएस राजेश धर्माणी ने बिलासपुर में पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि पिछले कल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जिला बिलासपुर के गुभारवी में एक दिवसीय दौरे पर आए थे, जहां पर उन्होंने विधानसभा को संबोधित किया, लेकिन उनके भाषण को सुनकर ऐसा लग रहा था कि वे एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। और वहीं जनसभा को संबोधित करने के लिए जो स्थान चुना गया था वे सरकारी स्कूल का प्रांगण था। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से पहले ही बच्चों की काफी पढ़ाई प्रभावित हो चुकी है, इसलिए स्कूल के प्रांगण ऐसे कार्यक्रम के लिए सही नहीं है। वहीं सरकार लोगों की समस्याओं को सुलझाने और विकास को प्राथमिकता देने के बजाय अपना चुनावी फायदे उठाने में लगी है। उन्होंने बताया कि गुमारवी विधानसभा क्षेत्र में जितने भी शिलान्यास और लोकार्पण किए गए हैं उनमें कुछ एक योजनाओं को छोड़कर बाकी सब योजनाएं उनकी सरकार के समय की हैं और हमारे जनप्रतिनिधि लगातार लोगों को गुमराह करके अपना नाम जोड़ने की कोशिश में लगे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी गुमारवी के दौरे पे आए थे और उनके भाषण को सुन के ऐसा लगा जैसे वो चुनावी भाषण दे रहे हों। और उस जनसभा के अंदर भाजपा के झंडे लगाए गए और जनसभा का जो स्थान था वो सरकारी स्कूल का प्रांगण था। तो सरकारी स्कूल में बच्चों को पहले से ही काफ़ी दिनों तक घर स्कूल में आने से सरकार या महामारी की वजह से रोका गया और अब जो स्कूल खुले, स्कूल खुलने के बाद भी जो है वहाँ पे एक राजनीतिक तौर पे उसकी सभा करना और वहाँ पे चुनावी भाषण देना, मैं समझता हूँ कि सरकार की मानसिकता को दर्शाता है कि उसका ध्यान जो है वो लोगों की विकास की को प्राथमिकता ना देकर लोगों की समस्याओं को सुलझाने की बजाय लोगों को अपने चुनावी फायदे के लिए उलझाने के ऊपर ज़्यादा ध्यान केंद्रित है। और दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि बिलासपुर के घुमारवी में जितनी भी परियोजनाओं का शिलान्यास रखा गया या उद्घाटन किया गया उसमें से एक आधी योजना को छोड़कर जो है बाकी कांग्रेस सरकार के समय की हैं और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो लगातार जो है वो लोग घुमारवी के लोगों को गुमराह करके उन योजनाओं पे अपना नाम जोड़ने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं कहना चाहूँगा कि जैसे दधोल लदरौर सड़क है, इसकी जो शुरुआत है इसकी प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भारत सरकार ने 2015 में भेजी, जो फर्दर भारत सरकार ने वर्ल्ड बैंक को 16 फरवरी 2017 को भेजी थी और उसी के आधार के ऊपर जो है अब इसकी सैंक्शन मिली है। और इसका जमीन का जो अधिग्रहण था ये भी पहले हो चुका था। दूसरा जो हमारे पेयजल की स्कीम है इसके लिए तो मैं कहना चाहूँगा कि घुमारवी के विधायक को जो वर्तमान मंत्री हैं इसको वहाँ की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि 137 करोड़ की एक बड़ी परियोजना जो थी वो हमारे समय में जो है इसकी DPR मंजूर हुई थी, जिसको ब्रिक्स बैंक में और जाइका में फंडिंग के लिए जो है वो प्रस्तावित किया था, उसकी जगह पे एक 36 करोड़ की योजना, ये 53 करोड़ की नहीं है, इसकी जो तकनीकी स्वीकृति है वो 36 करोड़ की सरकार ने जो है दी है। तो महज एक ड्रामा ये रच रहे हैं कि हमने 53 करोड़ रुपए की जो है स्कीम मंजूर करा दी है, जबकि वास्तविकता में ये 36 करोड़ की है और ये पूरी विधानसभा क्षेत्र को पूरी तरह से कवर नहीं करती है। तो ब्यास से एक अच्छी परियोजना जो है हमारे समय पर बनी थी उसको सरकार शीघ्र अतिशीघ्र जो है मंजूर करे